नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजी तनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं किसी गाड़ी या किसी मॉडल या किसी वेरिएंट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, काफी लोग मुझसे जानना चाहते हैं, यहाँ तक कि काफी लोग कन्फ्यूज भी हैं उस टॉपिक को लेकर। सो वो टॉपिक है कि जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं या एक नई बाइक खरीदते हैं तो उसमें आपको वो क्या पांच चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपके इंजन की लॉन्जिटिविटी बढ़े, आपकी गाड़ी की लॉन्जिटिविटी बढ़े। सो आई बिलीव ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, क्योंकि आजकल के डेट में देखिए हमारे लिए गाड़ी खरीदना, पता है मुझे, बहुतों के लिए नेसेसिटी है, बहुतों के लिए शौक है, लेकिन बहुतों के लिए ड्रीम है। हम लोग में से कई लोग जैसे जो मिडिल क्लास में से होते हैं, हम लोग सपने देखते हैं कि नहीं यार एक गाड़ी खरीदेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वो गाड़ी हमारे पास काफ़ी दिन तक रहे, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके पैसा वैसा कमा के हम लोग वो गाड़ी खरीदते हैं। उस गाड़ी को ज़्यादा दिन चले, ज़्यादा दिन अच्छे से मेंटेन रहे, उसके लिए हमको वो क्या पांच चीज़ें उस गाड़ी में नहीं करनी चाहिए ताकि उसके इंजन की लॉन्जिटिविटी बढ़े रहे, मतलब लॉन्जिटिविटी जो है वो मैक्सिमम रहे। तो चलिए अपने क्या क्या पॉइंट्स उसको कवर करते के करके। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो ये है कि कभी भी एक नई गाड़ी को फुल थ्रॉटल में या आप रेड लाइन्स टच मत करिए। रेड लाइन का मतलब है जब भी आप एक आरपीएम मीटर देखते हैं अपनी गाड़ी में या अपने बाइक में, तो उसमें एक रेड लाइन होती है, मतलब एक सर्टेन आरपीएम के बाद, जिसको हमें एक नई गाड़ी में बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए या हमें फुल थ्रॉटल नहीं देना चाहिए एक नई गाड़ी में। मैंने कई दोस्तों को सुना है कि मतलब नया बाइक लेके आए हैं, अब वो लोग कहते हैं कि भाई आज मैं 102 उठाया, आज 115 उठा दिया। कोई गाड़ी भी आते, मतलब गाड़ी कोई नया खरीद के आता है तो वो बोलता है कि भाई आज मैं 140 पे उछल आया हूँ गाड़ी, 150 पे गाड़ी चलाया हूँ, तो और वो भी क्या नई गाड़ी। तो देखिए इससे क्या है ना कि देखिए एक क्या होता है, गाड़ी में एक पिस्टन होता है, ठीक है, तो सिलेंडर्स होते हैं, चार सिलेंडर पांच सिलेंडर जो भी होते हैं उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं। तो पिस्टन क्या है, अप डाउन करते हैं, ठीक है। सो पिस्टन के ऊपर एक कंबशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ये पिस्टन आपको जो अप डाउन कर रहा है उसके ऊपर एक कंबशन प्रोसेस होता है। तो वो कंबशन प्रोसेस जब होता है तो वो पिस्टन में एक टेंशन वाले रिंग्स होते हैं, ठीक है, पिस्टन जो रहता है उसके अंदर में एक टेंशन वाले रिंग्स होते हैं। तो जब ये कंबशन प्रोसेस ऊपर में होता है ना, तो वो कंबशन प्रोसेस में जो गैस, मतलब जो प्रेशर बनता है, वो इस रिंग्स को, मतलब जो आपके पिस्टन में जो रिंग्स बने हुए हैं अंदर, उसको एक्सपैंड करता है। तो जब वो एक्सपैंड करता है तो आपकी गाड़ी के जो सिलेंडर के जो वॉल्स हैं उसमें आपका पिस्टन जो है वो घिसता है, ठीक है, वो अप डाउन करता है, ये जो रिंग्स है पिस्टन में वो एक्सपैंड होते हैं, एक्सपैंड होके वो एक मतलब एक पूरा वॉल को वो इवनली घिसता है। अब जब आप इसको मतलब हाई आरपीएम पे चलाते हैं या आप जब उसको फ्लोर करते हैं, मतलब रेड लाइन तक भगाते हैं, तो ये जो मतलब ये जो पिस्टन जो घिस रहा है वो इवन नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या है कि आपके वहां पे स्पॉट्स बन जाते हैं, आपका जो बोर है, मतलब मतलब वो सिलेंडर वॉल्स जो है उसमें जो पिस्टन का जो घिसना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपके इंजन में ये डैमेज हो सकता है, ये एक डैमेज आ सकती है आपके इंजन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो पहला पॉइंट जो मैं कवर करूंगा वो है आपका कि रेड लाइन टच मत करिए और गाड़ी को मतलब एकदम जैसे हम लोग चलाते ना ये जो करते हैं ये हमको नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1000 miles। ये कंफर्म करने के लिए देखिए आपको मेरी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना ओनर्स मैनुअल देखिए, ओनर्स मैनुअल चेक करके उसके बाद आप मेरी बात पर भरोसा करें। उसमें आपको लिखा रहेगा कि फर्स्ट 1000 miles या फर्स्ट 1000 किलोमीटर आपको गाड़ी इतना स्पीड में चलाना है और इतना आरपीएम के अंदर रखना है, फॉर एग्जाम्पल 4000 rpm के अंदर रखना है, और इवन कि वहां पे आपका गियर्स का भी वो मेंशन किया रहता है कि फर्स्ट गियर में इतना स्पीड चलाइए, सेकंड गियर में इतना स्पीड चलाइए, फिफ्थ गियर में इतना स्पीड तक ही चलाइए। सो प्लीज उसको फॉलो करिए। ब्रेक इन, इसको अपने एक ब्रेक इन पीरियड बोलते हैं। ब्रेक इन पीरियड हर गाड़ी हर बाइक्स में बहुत नेसेसरी है, जिस गाड़ी में, यहां तक कि अगर आप परफॉर्मेंस गाड़ियों की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक निसान GTR की जो एक परफॉर्मेंस रिलेटेड गाड़ी है उसमें भी 300 miles तक का एक ब्रेकिंग पीरियड रहता है। उनका ये कहा जाता है कि आप 300 miles के अंदर जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप फुल थ्रॉटल मत दीजिए और 4000 rpm के आप गाड़ी को नीचे रखिए। और देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कि कई गाड़ियों में आपको ब्रेक इन पीरियड ना लगता हो, मतलब आप जस्ट गाड़ी कंपनी से लेके आइए, आप लेके आप फ्लोर कर सकते हैं, बट उनका ब्रेक इन पीरियड जो है वो कंपनी वाले अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब प्लांट में ही कर देते हैं। वो लोग आप उस गाड़ी को मतलब एक व्हील से उस पर चलाते हैं, चला के पूरा मतलब आपको प्रोसेस में दिखा दूंगा, एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, तो उसमें वो लोग ब्रेक इन पीरियड ऑलरेडी प्लांट में करके वो कस्टमर को गाड़ी देते, ताकि कस्टमर जब गाड़ी लेके मार्केट में निकले तो वो एकदम फ्लोर करके चला सके भगा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं,
ब्रेक इन पीरियड बहुत जरूरी है, रेड लाइन टच मत करिए और गाड़ी को फ्लोर मत करिए, मतलब एकदम फुल थ्रॉटल मत दीजिए, एटलीस्ट फॉर दी फर्स्ट 1000 किलोमीटर ओनर्स मैनुअल को फॉलो करिए। हर गाड़ी में ब्रेकिंग पीरियड नेसेसरी है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसमें आपका ब्रेकिंग पीरियड नेसेसरी नहीं होता है, जिसमें नहीं जरूरी होता है वो जो कंपनी वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होती है वो यूनिट में ऑलरेडी वो लोग करके फिर आपको गाड़ी देते हैं। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो मैं बोलूंगा ना वो है, आजकल देखिए हर गाड़ियों में जनरली टॉप मॉडल्स में या फिर उसके नीचे वाले मॉडल्स में क्रूज कंट्रोल अवेलेबल होता है। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं, फ्लोर मत करिएगा, रेड लाइन टच मत करिएगा, हाँ थर्ड पॉइंट जो है वो आपको क्रूज कंट्रोल यूज नहीं करना है गाड़ी में। आप फिर से अपना ओनर्स मैनुअल चेक कर सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट 1000 माइल्स फॉर द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स अपने इंजन स्पीड को वैरी करते रहिए, ठीक है, एक सर्टेन कॉन्स्टेंट इंजन स्पीड पे गाड़ी को मत चलाइए, अपने इंजन स्पीड को वैरी करते रहिए। आप ओनर्स मैनुअल में अपने गाड़ी के या बाइक्स के चेक कर सकते हैं जहां पे आपका वो किस स्पीड में कितना चलाना चाहिए वो पेज पे आपको लिखा हुआ रहेगा। सो अब क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि आप एक सर्टेन स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को क्रूज करते हैं, फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 किलोमीटर पे करते हैं, 50 किलोमीटर पे करते हैं, 70 किलोमीटर पे करते हैं, बट आपका इंजन स्पीड जो है वो वैरी नहीं होता, यहां तक कि आरपीएम भी वैरी नहीं होता है। मतलब अगर आप 70 पे क्रूज कर रहे हैं फिफ्थ गियर पे तो प्रोबेबली वो आपका 1800 या 1900 या हो सकता है 2000 आरपीएम पे वो स्टिल रहेगा, मतलब आपका इंजन स्पीड जो है वो वैरी नहीं कर रहा है। सो जो थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से है वो है आपको नई गाड़ी में क्रूज कंट्रोल यूज नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स और 1000 माइल्स जो भी आपके ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ है, क्योंकि उससे क्या है क्रूज कंट्रोल यूज करने से आप गाड़ी का इंजन स्पीड जो है उसको वैरी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी जो इंजन की लॉन्जिटिविटी है वो थोड़ी सी मतलब कंपैरेटिवली कम हो जाएगी अगर आप क्रूज कंट्रोल नहीं यूज करते तो। सो थर्ड पॉइंट की अगर मैं अपने बात करता हूं ना तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करिए एक नई गाड़ी में। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जब भी आप निकालते हैं तो आपकी गाड़ी के सारे जो कंपोनेंट्स है, जो इंजन ऑयल वगैरह है, जो भी आपका पिस्टन वगैरह है, सब कुछ एक प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक एटलीस्ट पहुंचना चाहिए जब भी आप गाड़ी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो इंजन ऑयल वगैरह है या जो पिस्टन वगैरह है वो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेंगे, जिस वजह से आपका ब्रेकिंग पीरियड जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। सो जब तक आपकी गाड़ी का ब्रेकिंग पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1000 किलोमीटर से 1000 माइल्स में, तो आपको हर गाड़ी का हर कॉम्पोनेंट जो है, इंजन ऑयल हो गया, आपका पिस्टन्स हो गए, आपके सिलेंडर्स हो गए, सबको एक प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक आपको लेके जाना है, ऐसे आपको गाड़ी को यूज करना है। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई तो इसका मतलब क्या मैं सिटी में यूज नहीं करूं? सिटी में आप 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन स्पीड जो है वो बहुत वैरी करेंगे, मतलब कुछ दूर चलाएंगे फिर आप ब्रेक करेंगे फिर आप गियर शिफ्टिंग करेंगे, तो इसमें आपका मतलब इंजन का टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी कंपेयर टू अ हाईवे ड्राइव बहुत जल्दी बढ़ता भी है और आपके जो मतलब गाड़ी की हीट जो है वो भी जल्दी होती है, क्योंकि आपके गियर शिफ्टिंग्स का मतलब इसमें ज्यादा होंगे सिटी में, और ब्रेक्स क्लच सप्लाई करना पड़ता है, तो इंजन की हीट मतलब इंजन जो है वो जल्दी मतलब हीट हो जाता है। सो आपकी जो कंपोनेंट्स है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे जल्दी पहुंचते हैं। तो मेरे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि आप सिटी ड्राइव नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हैं सिटी ड्राइव, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके सारे कॉम्पोनेंट्स जो है इंजन ऑयल वगैरह हो गए वो सारे ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचे। दोस्तों मेरा फिफ्थ पॉइंट जो है ना उससे मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी गाड़ी को टोइंग पर्पज के लिए यूज मत करिए, मतलब किसी और गाड़ी को कहीं से निकालने के लिए, कहीं फंस गई है जो भी है, क्योंकि उससे क्या है ना आपकी गाड़ी का फिर से ब्रेकिंग पीरियड में इश्यू आएगा। क्योंकि अगर आप टो कर रहे हैं अपनी गाड़ी को तो इसका मतलब क्या है, आप एक एडिशनल वेट अपनी गाड़ी पे डाल रहे हैं, और उससे क्या है आप जो दूसरी गाड़ी को खींचना चाह रहे हैं गड्ढे से या जहां से भी आप खींचना चाह रहे हैं, टो करना चाह रहे हैं, तो आपकी गाड़ी का तो वेट है ही, प्लस आप एक एडिशनल वेट अपनी गाड़ी पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन का जो आरपीएम है वो आपको काफी हाई हो जाएगा। क्योंकि कई बार आप देखे होंगे कि टो करने के लिए या किसी को खींचने के लिए एकदम ऐसे मतलब आरपीएम बढ़ जाता है, फर्स्ट गियर में खींचना पड़ता है, कईयों का तो क्लच प्लेट वगैरह भी जल जाता है। सो नई गाड़ी में टोइंग एकदम मत करिए, क्योंकि वो एक एडिशनल वेट आपकी गाड़ी पे डाल रहा है, हेंस फोर्थ आपका जो इंजन है उसे भी एक एडिशनल प्रेशर पड़ेगा, आरपीएम बढ़ जाएगा, फिर से वेयर एंड टेयर में दिक्कत आएगी आपके मतलब वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा आपके मैकेनिकल कंपोनेंट्स का। सो मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि आप टोइंग मत करिए। प्लस अभी जो टोइंग से क्या होता है ना कि आपके जो ये टायर्स वगैरह होते हैं या फिर आपके जो ब्रेक्स होते हैं, तो टायर्स का ब्रेक्स का भी एक ब्रेकिंग पीरियड होता है, टायर्स के ऊपर एक मोल्डिंग आती है जो चलाते 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 वो फिर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो जो ब्रेकिंग या स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका एक नए टायर में होगा उस कंपेयर टू मतलब
अब उसको जब आप चला लेंगे बहुत दिन, तो उस गाड़ी का ब्रेकिंग पीरियड, मतलब ब्रेकिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू अ न्यू कार, क्योंकि न्यू कार में आपके टायर से भी मोल्डिंग वगैरह लगा हुआ रहता है, सो मोल्डिंग की हुई रहती है क्योंकि नया टायर रहता है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, मतलब आपकी गाड़ी प्रॉपरली एक जिस जगह पे आप चाहते हैं वो स्टॉप नहीं हो पाती है। तो ग्रेजुअली डाउन द लाइन जब आप जैसे जैसे आप टायर्स यूज करते हैं, जैसे टायर्स की ब्रेकिंग पीरियड भी खत्म होती है, तो आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है और आपकी ग्रिप जो है टायर्स की वो काफी बढ़ जाती है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही मतलब कोशिश किया हूँ टच करने का कि नई गाड़ियों, देखिए हम लोग बहुत शौक से नई गाड़ी खरीदते हैं, बहुत मेहनत, कई लोग हैं जो मेहनत से नई गाड़ी खरीदते हैं, तो बचा के रखना हम लोग का, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जितना दिन हो सके गाड़ी बच के रहे। सो कोशिश करिए एटलीस्ट 5 पॉइंट्स फॉलो करने का, सो आई बिलीव आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब नई गाड़ी में क्या आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप पॉइंट्स फॉलो करते हैं आपकी गाड़ी की लॉन्जिविटी बढ़ेगी। तो देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन सिचुएशंस में आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ से बचने के लिए जो करना पड़े अपनी गाड़ी में वो करिए, क्योंकि हम में से कई लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा अपनी गाड़ी को महत्व दे देते हैं। क्या करें, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, बट गाड़ी को महत्व देते हैं वो अलग चीज़ है, बट अपनी लाइफ को भी ज़्यादा महत्व दीजिए और उस सिचुएशन में मेरी बातों को मानने का जरूरत नहीं है। जो भी आपको सही लगे कि आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है, या गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स के लिए सही है, आपकी गाड़ी के लिए सही है, प्लीज़ वही करिए। सो अगर आपको मेरा कंटेंट और ये रीजनिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई कमेंट्स हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी कुछ राय है जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उनको ज़रूर फॉलो करने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We'll be back soon. Till then, bye.